मामला है जनपद के उत्तर प्रदेश मैनपुरी के विश्वा थाना क्षेत्र का। एक पिता के सामने हुई उसी के बेटे की मौत। ट्रैक्टर से खेत को जोतते समय हुआ था यह हादसा। ट्रैक्टर के पलटने से उसमें लगे रोटवेलर के चपेट में आने से हुई थी युवक की दर्दनाक मृत्यु। इस घटना के बाद सामने आई इसी घटना की लाइव वीडियो और इसके बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपने खेत की जुताई कर रहा था जिसमें धान गड़ रहा था, उसके सारे परिवारजन भी इकट्ठे थे और भी लोग वहाँ पे जो अगल बगल के थे वो भी थे। जब ट्रैक्टर जुताई करते थे मैं ट्रैक्टर दलदल में फंस गया तो और लोग भी आए, उन्होंने निकालने का प्रयास किया, ये भी निकालते रहे और लोग भी निकालते रहे, मतलब ट्रैक्टर नहीं निकला। ट्रैक्टर नहीं निकला तब उन्होंने रोटावेटर मतलब खोल दिया। रोटावेटर खोलने के बाद में फिर प्रयास किया, करीब आधे घंटे तक प्रयास चलता रहा इसका, लेकिन ट्रैक्टर फिलहाल नहीं निकला। जब नहीं निकला तो फिर उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई, ट्रैक्टर की गियर चेंज किए, गियर चेंज करने के बाद दो तीन बार उछाल लिया, तीसरी बार जब उछाल लिया तो उल्टा हो गया, इन्हीं के ऊपर गिर गया और ये वहीं पे दब गया। आनंद फार्म में तुरंत ही मतलब खत्म ही हो गया। मैनपुर से संजय वर्मा की ये रिपोर्ट।